streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू हीरो सुपर स्प्लेंडर का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, जब भी किसी 125 सीसी की बेस्ट कम्यूटर सेगमेंट बाइक का नाम आता है तो हीरो सुपर स्प्लेंडर 125 का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि उसमें आपको एक सिंपल और कॉम्पैक्ट लुक मिलता है और काफ़ी अच्छा माइलेज आप सुपर स्प्लेंडर से गेन कर सकते हो। और कंपनी ने इसमें 3 से 4 नए बदलाव किए हैं। पहला, इसमें आपको न्यू कलर और न्यू एज ग्राफिक्स मिलता है, और कलर में आपको शाइनी सा पेंट जॉब मिलता है जो सनलाइट में बाइक को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है। और ग्राफिक्स आपको इसकी कंप्लीट बॉडी पर मिलता है जो बाइक को एक स्पोर्टी लुक देने में हेल्प कराता है। दूसरा बदलाव, इसमें आपको i3s टेक्नोलॉजी मिलती है। अब दोस्तों, i3s टेक्नोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी बड़ी है, इसलिए मैं आपको i3s टेक्नोलॉजी के बारे में दूसरी वीडियो में बता दूंगा। अभी आप इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन ले लें। i3s टेक्नोलॉजी से जो बाइक का माइलेज होता है वो मेंटेन रहता है, मतलब इससे आपका जो बाइक का माइलेज है वो बढ़ता है, और जो पेट्रोल का वेस्टेज होता है ट्रैफिक में उसको i3s टेक्नोलॉजी सेव करता है। तीसरा बदलाव, इसके रेयर के टेल लाइट में किया गया है, उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट लुक दे दिया गया है और थोड़ा बाहर की ओर उसको निकाल दिया है, जिससे जो बल्ब लाइट की विजिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और जो पर्सन पीछे राइड कर रहा होता है उसको आपकी टेल लाइट की विजिबिलिटी अच्छे से दिखती है और उससे एक्सीडेंट लेवल भी कम हो जाता है। तो ये 3 बदलाव इसमें किए गए हैं, और बाकी जो बाइक का डिज़ाइन और लुक है वो ओल्ड मॉडल की तरह बेसिक और सिंपल अभी तक रखा गया है। फ्रंट लुक्स के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको छोटा सा ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिल जाता है एयर को पास करने के लिए, कंफर्टेबल राइड करने के लिए, और इसी विंडशील्ड पर आपको हीरो का ब्रांडिंग मिलता है। बाकी जो ओवरऑल बाइक का लुक है वो पुराने मॉडल तरह ही सेम रखा गया है। इसमें आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प मिलता है विथ हैलोजन बल्ब, और इंडिकेटर्स भी आपको कन्वेंशनल मिलते हैं। और एक डिसअपॉइंटमेंट इसमें मेरे को लगा है, क्योंकि इसमें आपको अभी तक फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं, जबकि और दूसरी 110 सीसी और 125 सीसी की बाइक में फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स आ चुका है, लेकिन इसमें आपको अभी तक फिक्स्ड इंडिकेटर्स मिलते हैं, तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट मेरे को लगा है। रियर लुक्स के बारे में बात किया जाए तो पीछे के लुक में जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो इसकी टेल लाइट में किया गया है। इसको थोड़ा और कर्व्ड शेप में डिजाइन दे दिया गया है। बाकी जो ओवरऑल लुक है वो पूरा सेम है। इसमें आपको सेम बल्ब टेल लाइट मिलती है, और इसमें आपको सेम बल्ब इंडिकेटर्स मिलते हैं, और जो इंडिकेटर्स की डिजाइन है वो भी बिल्कुल सेम है। इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक OHC विथ i3s एयर कूल्ड कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 11.28 PS एट 7500 RPM की पावर और 11 न्यूटन मीटर एट 6500 RPM का टॉर्क मिलता है। उसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको 4 मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 3-पॉड इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है। बाकी इसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और ट्रिप मीटर तीनों ही एनालॉग में मिलता है, और आपका फ्यूल गेज, टोटल स्पीड, टोटल किलोमीटर और ट्रिप मीटर इसमें बता दिया जाता है। और i3s का भी आपको इसमें इंडिकेटर मिलता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर और न्यूट्रल इंडिकेटर भी आपको इसमें मिलता है, और लेफ्ट इंडिकेटर्स का भी आपको कॉर्नर्स पर इंडिकेटर मिलता है। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए, स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सारे बेसिक स्विच आपको इसमें मिल जाते हैं, और बाइक के जो हैंडलिंग वो भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें आपको i3s का भी स्विचेस मिल जाते हैं, i3s टेक्नोलॉजी के स्विचेस हैं ऑन और ऑफ के, वो भी आपको इसमें मिल जाते हैं, और इसमें आपको सेल्फ और किक दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, और इसमें आपको 18 इंचेस का व्हील साइज मिलता है विथ ट्यूबलेस टायर, और इसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलता है। रेयर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रेयर में आपको स्विंग आर्म विथ 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, और इसमें भी आपको सेम 18 इंचेस का व्हील मिलता है विथ ट्यूबलेस टायर, और इसमें भी आपको सेम 130 mm के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, और जो रेयर टायर का जो विड्थ है वो भी यहाँ थोड़ा बढ़ा दिया गया है। सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट आपको इसमें मिलती है, जिससे अगर आप 2 लोग बैठ के भी इसको राइड कर रहे हो तो बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाओगे। और यहाँ जो सीट की लंबाई है वो भी थोड़ी बढ़ा दी गई है, जिससे अगर आप इमरजेंसी में 3 लोग बैठ के राइड कर रहे हो तो काफ़ी आराम से जो राइडर वो राइड कर पाएगा। और इसमें आपको जो हैंड ग्रेबल कलर मिलता है वो आपको ब्लैक कलर का मिलता है।
तो दोस्तों आज के लिए हमारे वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कर दो, उसको शेयर कर दो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग को रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। और दोस्तों अगर आपको डाउट्स है रिलेटेड टू हीरो सुपर स्प्लेंडर से तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।